सो गाइस अगर कोई हमें यूथ के लिए चैलेंज कर दे तो गाइस हमारे पास सब कुछ है। बट गाइस मेरे पास अभी तक भोले बाबा का त्रिशूल नहीं आया। अरे आएगा भी कैसे, अभी तक ढूंढा ही नहीं। बट हमने तो इस वीडियो को बनाया इसलिए कि हम इसको ढूंढ सके। गाइस अगर ये नूबड़ा आप लोगों के फीड में अभी अभी टपका है तो मैं बता दूं कि गाइस इसका नाम माइनी माइन है। वीडियोस इसके चैनल में बहुत मिल जाएंगे। बट पूछो इससे कि सर्वाइवल सीरीज के अलावा इसने बनाया क्या है। और आप सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ? गाइस मैं माइनी माइन हूँ, बट मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं तो दूसरे ग्रह से आया हूँ। गाइस मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं थोड़ी देर के लिए अटक गया था। बाय द वे गाइस आज हम इस वाले त्रिशूल को ओपी बनाएंगे थोर के उत्तरा जैसे, तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस आज का शॉर्ट आउट जाता है जेम्स गेमर, एक्टिव माइंड, सर्वाइवल शॉर्ट्स और पोपला बच्चा को। सो गाइस अंगूठा छाप शॉर्ट आउट चाहे तो अंगूठा छाप कमेंट भी कर देना, गाइस आप लोगों को भी मिल जाएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते, सो लेट्स बिगिन। गाइस दुनिया में प्रवेश करते हमें इधर चारों तरफ लोहे के खलीदर मिलते जिसको हम रोटी दिखाते हुए खा जाते हैं। और गाइस जेब में देखते हैं तो एक चीज की कमी थी, वो था त्रिशूल। तो गाइस उसको आज हमें लेने जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इधर गेम डिफिकल्टी को हार्ड में बना लेते हैं क्योंकि हथौड़ी ने एक मजेदार बात कही है, मुश्किल वक्त कमांड हो सकता। सो गाइस इधर उड़ान मरने के बाद गाइस थोड़ी देर में हम इधर पहुंच जाते हैं नदी के किनारे जहां पर हमें मिलने वाला था वो पानी वाला दानव। और गाइस आजकल मेरा लक तो देखो गाइस, नदी में डुबकी मारते हमें त्रिशूल वाला दानव मिल भी जाता है। गाइस आजकल मेरा लक देखकर तो मेरे पड़ोस वाला लक भी सदमे में है। गाइस इसको टपकाने के बाद हमें त्रिशूल तो मिल जाता है बट गाइस उसके बदले हमारा लाल लाली इधर दिल तो टूटे जा रहा था। गाइस उतर से निकलने के बाद बाल बाल हमारे जान में जान आता है। गाइस इस वाले त्रिशूल का हेल्थ कम था तो हमें एक और डुबकी मारना पड़ेगा ताकि हमें दूसरा त्रिशूल मिल सके। गाइस डैमेज लेते लेते और डैमेज दे रहे थे भी हमें दूसरा त्रिशूल नहीं मिलता, तो गाइस एक से काम चलाना पड़ेगा शायद। गाइस यहाँ बाहर निकलने के बाद मुझे लगा कि मेरे साइड में क्रीपर फट चुके हैं, बट गाइस इधर देखता होते तो एक प्यारा सा पैरोट था। जय हिंद दोस्तों। सो गाइस इसको हमें जैसे भी करके पटाना मतलब टेम करना होगा। तो गाइस उसके लिए हम इधर बहुत सारे सीड्स को इकट्ठा करते हैं। तो गाइस हमें तरबूज भी मिल जाता है जिसको तोड़ने के बाद इसके भी हम इधर सीड्स को निकाल लेते हैं। और गाइस तभी पता चलता है कि वो वाला मिट्टू मियां तो डिस्कनेक्ट हो चुका है अपने वर्ल्ड से। सो गाइस उसके बाद हम इधर पास वाले जंगल बायोम में लैंड करते हैं। तो गाइस हमें एक पैरट मिल भी जाता है, बट गाइस इसके पीछे पीछे हमारा एक ज़ॉम्बी भाषा आ रहा था जिसको टपकाने के बाद इसको हम टेम कर लेते हैं। साले चंद सीड के लिए मेरे से पट गया, शर्म करो। सो गाइस उसके बाद इसके पास जाकर इसको हम अपने कंधों में बिठा लेते। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा दिख रहा है। सो गाइस उसके बाद हमारा सूरज मामा में ढल रहा था, तो गाइस हम अपने घर चले जाते हैं। और गाइस हमारा घर तो बहुत सारा है, तो गाइस आज हम इसी वाले आइलैंड बेस में सो जाते हैं अपना कबूतर मतलब मिट्टू मियां के साथ। सो गाइस सुबह सुबह उठने के बाद हम इधर इस वाले घर से निकल जाते हैं। गाइस अब हमें अपने ट्राइडेंट के ऊपर जादू टोना करना था जिसके लिए हमें चाहिए होंगे जादुई पुस्तक। सो गाइस मजदूर घर के अंदर इधर संदूक में हम बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट गाइस हमें इधर अनब्रेकिंग ही मिलता है, हमें मेंडिंग बुक नहीं देखने को मिलता। बट यहाँ के मजदूर कब काम आएंगे? तो गाइस सबसे पहले हम इधर बहुत सारे गन्ने को निकाल लेते जिसके हम बनाते बहुत सारे पेपर्स। और गाइस इसको बाद इसको बेच देते हैं हम अपने विलेजर्स को। सो गाइस बहुत सारे हीरे मोती को हड़पने के बाद हमें पता चलता है कि गाइस मेंडिंग को खरीदने के लिए हमें एक बुक और चाहिए होगा। तो गाइस हम इधर संदूक में फिर से ढूंढने लग जाते हैं। गाइस चारों तरफ जादुई बुक ही थे, बस हमें नॉर्मल बुक नहीं मिल रहा था। गाइस हम अपने घर में भी ढूंढते, बट गाइस फाइनली हमें मिल जाता है हमारे शुगर केन फार्म में। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जगह में मिल गया जलवा है हमारा। सो गाइस उसके बाद हम इधर मजदूरों से इधर मेंडिंग का बुक चुरा लेते मतलब खरीद लेते। तो गाइस इसको अभी हमें नहीं लगाना है क्योंकि गाइस हमारे पास टोटम नहीं है, अगर हम बीच में मर गए तो गाइस ट्राइडिंग का तो ऐसे के तैसा हो जाएगा। सो गाइस ऑफिशियल चोरों के फार्म में आने के बाद हम इधर सुरक्षित सुरक्षित इधर अटक जाते। तो गाइस इधर से हम जल्दी जल्दी ऊपर चले जाते और गाइस इधर संदूक से हम बहुत सारे टोटम को निकाल लेते हैं। और गाइस जितना हो सकता था हम इधर सर्कल बॉक्स के अंदर भर लेते हैं और गाइस थोड़े बहुत हीरे जवाहरात भी ले लेते हैं। सो गाइस उसके बाद हम अपने घर की तरफ जा रहे थे, बट गाइस मेरी हीरे जवाहरात देखकर एक स्केलेटन भाई साहब मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। और गाइस उसका लुटेरा दोस्त भी मेरे ऊपर हमला कर देता है और गाइस दोनों के टपका देते हैं। सो गाइस मैंने अपना घर जाने का एक नया रास्ता ढूंढा है, अगर हम इधर नेदर पोर्टल से इधर नेदर में आएंगे और गाइस इधर नेदर वाले पोर्टल से ओवरवर्ल्ड में आ जाएंगे तो गाइस हम सीधे अपने घर में टेलीपोर्ट होंगे। सो गाइस इधर बेस मारने के बाद पता चलता है कि रात हो चुकी थी, तो गाइस हम इधर घोड़े बेचकर सो जाते हैं। और गाइस उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे दूसरे गांव की तरफ जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो गाइस हमें इधर ब्रिज तो दिख चुका है और गाइस इधर दूर जाने के बाद हमें अपना विलेज भी मिल चुका है। और गाइस हमेशा की तरह लैंडिंग करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था हमारा। सो गाइस उसके बाद हम इधर पाताल लोक जाने का छेद ढूंढने लगते जो कि हमें मिल भी जाता है। और गाइस हम इधर बदतमीजी कर इधर इंटरपोल को फेंक देते जिसकी वजह से हमारा टोटम ऑफ अंडाइंग यूज हो जाता है। ऐसे हरकतों की वजह से मैं टोटम ऑफ अंडाइंग हाथ में लेकर चलता हूँ। पैसा बर्बाद पहन चो। सो गाइस उसके बाद हम अपना अंध का दरवाजा का रूम ढूंढने लग जाते हैं।
सो गाइस फाइनली हमें वो वाला रूम मिल जाता है। और गाइस इधर पोर्टल कम ये तो कमोड ज्यादा लग रहा था, बट गाइस हम इधर ऊपर उछल जाते हैं। सो गाइस उसके बाद हम इधर अंध के डायमेंशन के अंदर घुस जाते हैं। और गाइस इधर रोके चला कर हम इधर हवाओं का मजा लेने लग जाते हैं। और गाइस उसके बाद हम इधर लैंड कर जाते हैं सीधे फार्म के अंदर। और गाइस यहां से जंप करने में मुझे डर लग रहा था, तो गाइस साथ में एक टोटम वन डाइंग हम ले लेते हैं। और गाइस उसके बाद हम इधर से छलांग मार लेते हैं। सो गाइस सेफली लैंडिंग होने के बाद हम कुछ चंद एक्सपी के लिए इस वाले अंध मानव को मारने लग जाते हैं। बहुत सारे एक्सपी को कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे एंडरमैन को टपकाने के बाद हमारे पास इनफ एक्सपी हो चुके थे। और गाइस इधर चेस्ट में आप लोगों को कोई भी एंडर पर्ल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस सारे निम्बियो को तो हमने इधर जमा कर रखा है, सारा यहीं पर दुकान बनाकर बेच दूंगा। सो गाइस उतना होने के बाद कुछ को टपकाने के बाद हम इधर से निकल जाते हैं। और गाइस यहां से बाहर निकलने के बाद हम इधर सीधा पोर्टल के अंदर सेफ लैंडिंग कर लेते हैं। और गाइस उसके बाद हम पहुंच जाते सीधे अपने घर के अंदर। और गाइस उसके बाद कितने सालों बाद हम फिर से एक बार लाइब्रेरी जाते हैं, वो भी पढ़ने के लिए नहीं, हमारे ट्राइडेंट में जादू टोना करने के लिए, वरना तो हमारे फितरत में ही नहीं है। और गाइस यहां अगर पता चलता है कि वो जादू वाला पत्थर तो इधर नहीं है, जिसको हम लैपिस लाजुली भी कहते हैं। और गाइस बहुत मेहनत करने के बाद हमें फाइनली मिल जाता है हमारे मजदूर घर के अंदर। शायद हमारे मजदूर इसको कैंडी समझ कर ले गए इधर। और उसके बाद फिर से हम अपना रॉकेट लॉन्च करके चले जाते हैं हमारे कासल के अंदर, ताकि हम इधर जादू टोना कर सके। तो गाइस सबसे पहले हम इधर ट्राइडेंट को रख देते, तो गाइस हमें इधर लॉयलिटी मिल जाता है। बस गेम में मिलता है, रियल लाइफ में अभी तक नहीं मिला। चाहे जो गाइस ज्यादा ही पर्सनल चला गया था। तो गाइस इधर हमारा एंचांट करने के बाद भी हमारे पास 30 एक्सपी रह चुके थे, जिसमें हम एंचांटमेंट करने वाले थे। सो गाइस उसके बाद इधर मजदूर घर में आकर एनविल में जाकर हम सारे एंचांटमेंट्स को लग देते हैं हमारे ट्राइडेंट के अंदर। तो गाइस सबसे पहले हम इधर डाल लेते हैं मेंडिंग के बुक को। और गाइस उतने से मन नहीं भरता तो हम डाल लेते हैं अनब्रेकिंग को, तो गाइस जिससे हमारा अब हमारा ट्राइडेंट जल्दी नहीं टूटेगा। तो गाइस अब इन दोनों एंचांटमेंट्स को लगाकर हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते, तो गाइस हमें एक मजदूर चाहिए होगा जो कि हमें नेक्स्ट एंचांटमेंट दे सके। और गाइस हमें बहुत सारे मजदूरों के बीच मिल जाता है एक नल्ला। और गाइस हम इनसे हाई फाई करते कि गाइस ये तो मेरे जैसे था एकदम आलसी। सो गाइस अब नेक्स्ट एंटरटेनमेंट के लिए इस भाई साहब को टॉर्चर देना चालू कर देते हैं। अच्छा एंटरटेनमेंट नहीं देगा तो सीधा स्वर्ग में ट्रांसफर कर दूंगा। सो गाइस फाइनली रात दिन टॉर्चर देने के बाद फाइनली इसने हमें एम्पेलिंग ट्री का एंटरटेनमेंट दे दिया है, जिसको लगाने के बाद हम इधर समुद्री राक्षसों को मार सकते थे। हाँ गाइस हमारा वही सस्ता एक्वामैन। सो गाइस भाई से बिजनेस करने के लिए हम अपने पैसों की पेटी खोल लेते हैं। और गाइस इधर से निकालते एक स्टैक एमराल्ड, और गाइस इससे दो दो बुक्स को खरीद लेते हैं। आज से तो पक्का पढ़ाई करूंगा। चल झूठा गाइस, वो तो ठेरा यूनिवर्सल, जो क्यों गाइस जिसको हम पढ़ने की बजाय गाइस दोनों को बुक को हम मर्ज कर लेते। और गाइस इसको लगा लेते अपने त्रिशूल के अंदर। अब तो इस सस्ते एक्वामैन की खैर नहीं। सो गाइस उसके बाद बाहर जाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस वाले ट्राइडेंट की ताकत। गाइस इसको फेंकते ही थोर के हथौड़े जैसे ये हमारे हाथ में वापस आ जाता है। और गाइस इधर दूसरी तरफ तो इधर बारिश हो रहा था। और गाइस मेरे दिमाग में आता है गाइस हमारे पास और एक एन्चांटमेंट है जिसका नाम है चैनलिंग, तो गाइस उसके लिए हम एक मजदूर फिर से ढूंढने लग जाते हैं। सो गाइस हम इधर बेचारे एक तकले शरीफ को उठा लेते हैं। अब गाइस इसको भी मिलने वाला है बहुत देर तक टॉर्चर देने के बाद। सो गाइस बहुत देर तक इसको टॉर्चर करने के बाद फाइनली ये हमने चैनलिंग देने के लिए तैयार था, और हम भी खरीदने के लिए। सो गाइस इसको खरीदने के बाद लगता है कि ये बहुत खुश था, तो गाइस हम भी इधर खुशी खुशी ट्राइडेंट में चिपका लेते। और गाइस इन मजदूरों से हम बहुत सारे रोटियों को खरीद लेते कि गाइस हमें भूख लग जाती है बार बार। सो गाइस उतना होने के बाद हम सारे सामान को रख देते एक संदूक के अंदर। और गाइस हमारे शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए हम निकल जाते बारिश में बाहर की तरफ। और गाइस हमें इधर एक बलि का बकरा मिल जाता है। गाइस इसको मारने के बाद इधर तो हमारा थंडर तो नहीं आता, बट गाइस ये मर जाता है। थंडर आता तो कम से कम पका हुआ तो मिलता। और गाइस उसके बाद हम इधर दूसरी बार भी ट्राई करते हैं, बट गाइस फिर भी नहीं आया। और गाइस हमें समझ आता है कि गाइस ये सिर्फ थंडरस्टॉर्म में ही काम करता है। तो गाइस उसके बाद हम उदास होकर अपना ट्राइडेंट लेकर सो जाते हैं। और गाइस सुबह सुबह उठने के बाद हम इधर बाहर कुछ देर कबड्डी खेलते हैं और हम जीत जाते हैं। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आया तो गाइस मैं क्या करूँ, फ्री में बस इतना ही मिलता है। अरे अरे मजाक कर रहा था। सो गाइस हमारा प्राइवेट एसएमबी और पब्लिक एसएमबी दोनों लॉन्च होने वाला है, तो गाइस अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो कमेंट में इंटरेस्टेड लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो मैं मिलता आप लोगों ने इस वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।